वो सक्रिय रहे, रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पार्टी की सेवाएं दी और 93 से लेकर 98 तक के विधानसभा में सदस्य रहे। भाटापारा विधानसभा मेरे बहुत मुखर व्यक्तित्व के धनी और बहुत बेलाग, बिना कोई लाग लपेट के वो हमेशा बात करते थे। सहकारिता क्षेत्र में उसके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश के विधानसभा में कई समितियों के सभापति के रूप में भी उन्होंने काम किया। नाबार्ड के चेयरमैन के रूप में उन्होंने काम किया। किसान कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में रायपुर जिले में सहकारी भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष, इपको और क्रिपको के सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी यूनियन के चयनित प्रतिनिधि आदि अनेक पदों पर उन्होंने काम किया और इस कारण से सहकारिता क्षेत्र में उनका गहरा अनुभव रहा है। अध्यक्ष महोदय बहुत लंबी बीमारी से जूझते रहे, लेकिन उस स्थिति में भी उसकी सक्रियता में कभी कोई कमी नहीं आई। आम जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाते रहे और भूतपूर्व विधायकों के भी वो संगठन को लेकर कई बार वो अध्यक्ष से और हम लोगों से मिलते रहे, उनकी समस्याओं को लेकर वो अवगत कराते रहे। उनके जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं दोनों सदस्य आदरणीय पुनीत राम साहू जी, आदरणीय राधे श्याम शर्मा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जिन दो पूर्व सदस्यों के निधन का उल्लेख किया, मैं आपकी भावनाओं से अपनी भावनाओं को और अपने दल की भावनाओं को समाहित करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्माननीय पुनीत राम साहू जी, राजिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। एक जनसेवक के रूप में वो जाने जाते थे और उनकी पृष्ठभूमि कृषक परिवार से थी। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि पुनीत राम जी किसानों के आंदोलन को लेकर के, किसानों की समस्या को लेकर के वे सदैव सक्रिय रहे, जागरूक रहे और अनेकों बार उन्होंने किसानों के, मजदूरों के, सर्वहारा लोगों के, आम आदमी की समस्याओं को लेकर बड़े बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया। वे सड़क से सदन तक लगातार आम आदमी की समस्या को उठाते रहे। मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि बहुत कालखंड तक वो बिना चप्पल के चलते थे, वो चप्पल नहीं पहनते थे। उम्र के आखिरी पड़ाव में उन्होंने चप्पल पहनना शुरू किया। हम उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सम्माननीय राधे श्याम शर्मा जी, जो 93 से लेकर 98 तक भाटापारा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे और एक सहकारिता पुरुष के नाम से वो जाने जाते थे। सहकारिता के क्षेत्र में उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया। सहकारिता आंदोलन की वो एक अग्रणी भूमिका वो निभाते थे और एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी ख्याति रही। हम पुनीत राम साहू जी को, राधेश्याम शर्मा जी को उनके असामयिक निधन पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके परिवारजनों को इस दुख को सहने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। हम अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से दोनों को अपनी विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। श्री रतन जी शर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, सदन आज जो दो विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, दोनों मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व विधायक रहे, पर दोनों के कार्य करने का ढंग बहुत अलग था। माननीय पुनीत राम साहू जी जितने सहज सरल, जैसा कि बताया गया, किसान पृष्ठभूमि से थे और जिस विधानसभा से वो आते थे वो विधानसभा क्षेत्र आदरणीय श्यामाचरण जी शुक्ल का क्षेत्र था, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व स्वयं मुख्यमंत्री करते हो, उस क्षेत्र में विपक्ष में रहते हुए जनपद अध्यक्ष बनना, मंडी का अध्यक्ष बनना, विधायक बनना एक बहुत बड़ी बात होती है और ये सब कुछ उन्होंने प्राप्त किया अपनी सहजता, अपनी मेहनत के चलते, सरलता के चलते।
उनकी स्थिति यह थी कि अभी दो साल पहले मैं ब्रिजमोहन जी कार्यक्रम में गरिया बन गए, तो पुनीत राम जी को ब्रिजमोहन जी ने स्पेशल विशेष रूप से बुलाने के लिए भेजा, रास्ते में रुक गए तो पता चला कि पुनीत राम जी खेत में खातु छींचने गए 78 साल की उम्र में, आखिरी तक सक्रिय रहे। और मजाक में एक बात बोलते थे, भले मुख्यमंत्री के क्षेत्र है मोर राजिम का, और मोर जीत ले मोर गांव, कांग्रेस कभी नहीं जीता। और वास्तव में बासिन उनके चलते हमेशा बीजेपी का गर्व रहा, और ऐसे सहज सरल व्यक्तित्व का जाना न सिर्फ राजिम क्षेत्र के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए हानि है। माननीय राधेश्याम जी शर्मा एक दबंग व्यक्तित्व के धनी, दो बार उनके आमने सामने चुनाव लड़ने का अवसर आया, एक बार मैं चुनाव जीता, एक बार हारा उनके सामने। सहकारिता के क्षेत्र में भी 3 बार हम लोग आमने सामने बाटा बारा में टकराए। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो बेबाक बोलते थे, मध्य प्रदेश विधानसभा के वो सदस्य थे, माननीय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री जी थे, मुख्यमंत्री थे, तो एक बार दिग्विजय सिंह जी के लिए सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा था ये सरकार अलीबाबा और 40 चोर की सरकार है। माने अपनी पार्टी के खिलाफ भी अगर उनको कोई बात नहीं जची तो बहुत स्पष्ट रूप से कहते थे। दूसरी उनकी विशेषता यह थी कि चुनाव के दौरान जितना वाद विवाद हो, चुनाव के निपटने के तत्काल बाद बहुत सहज ढंग से पहल करके बातचीत शुरू करते थे। मैं एक चुनाव लड़ रहा था और स्थिति यह बनी तनावपूर्ण की, उन्होंने गुस्से से मेरे को रिवाल्वर निकाल लिया, पोलिंग थी उस दिन। पर जैसे ही 5 बजे मतदान खत्म हुआ और हमारी आमने सामने एक भेंट हुई तो मेरे को चाय पीने के लिए साथ बैठा लिया, हो गया चुनाव निपट गया, विवाद खत्म हो गया। सहकारिता के चुनाव के दौरान एक बार काफी मारपीट भी हम लोगों के बीच हुई, पर जैसे ही चुनाव निपटा उसके बाद सारे किस्सों को हम लोगों ने बैठ के ढंग हल किया। माने स्थिति यह थी कि चुनाव के दौरान जो हो, चुनाव के बाद मन में वो कोई बात नहीं रखते थे, और चुनाव गई चुनाव की बात गई ये भाव उठते मन में रहते थे। और दबंग व्यक्तित्व था, क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ते थे विकास के लिए, और बहुत से काम उनने भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में विकास के कराए हैं। माननीय अकबर साहब के तो परम मित्र थे वो, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दोनों मृतात्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। कोई बोलना नहीं चाहते तो मैं क्या बोलूं? मरकाम जी आप बोलना चाहते हैं क्या? मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। दिवंगतों से के सम्मान में सदन कुछ देर मौन धारण करेगा।